हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजर क्लासेस चैनल को, जहां पाते मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खांसी को रोकने के लिए बेस्ट सिरप के बारे में। दोस्तों, साथ साथ बात करेंगे इसके हम कॉम्बिनेशन की, यानी जो सिरप होता है वो किस किस कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम ब्रांड नेम की, यानी जब आप इसे बाजार में मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम सिरप के यूजेस की, यानी ये जो सिरप होता है इसका यूज कहाँ कहाँ क्या जाता है, या फिर इसका यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज किया जा सकता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे इसके हम डोज की, यानी जो सिरप होता है इसकी क्या क्या डोज रहती है। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे इसके हम साइड इफेक्ट की, यानी जो सिरप होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट आए जाते हैं। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक और जानिएगा वीडियो के बारे में सब कुछ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सिरप के बारे में। दोस्तों, जो आजकल मौसम चल रहा है, यानी खांसी का मौसम चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा ये सिरप यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, साथ साथ बात करते हैं इसके हम कॉम्बिनेशन की, यानी जो सिरप होता है वो किन किन कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। जिसके अंदर जो पाया जाता है दोस्तों, एम्ब्रोक्सोल पाया जाता है, वो आपको 30 mg मिल जाता है इसके अंदर। जो इसके अंदर ग्वानीफेंसिन पाया जाता है वो आपको 50 mg मिल जाता है। और दोस्तों, नेक्स्ट जो पाया जाता है इसमें टर्बिटलाइन पाया जाता है, वो जो मिल जाता है आपको 1.25 mg मिल जाता है। और जो लास्ट पाया जाता है दोस्तों, इसके अंदर मेंथोल पाया जाता है, जो 0.25 mg आपको मिल जाता है। ये 4 साल्ट के फॉर्मुलेशन से मिलकर बना होता है। और दोस्तों, इस सिरप का यूज जो किया जाता है बहुत ही यूज किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके ब्रांड नेम की, यानी ये जो सिरप होता है इसके क्या क्या पॉपुलर ब्रांड नेम पाए जाते हैं, यानी जब आप इसे बाजार में मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। जैसे आपको एम्ब्रोलाइट एस के नाम से मिल जाता है, या फिर आपको टोसेक्स एक्स वी के नाम से मिल जाता है, या फिर आपको कफ नील सिरप के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूजेस की, यानी जो सिरप होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों ये क्या होता है, कफ सिरप होता है, जिसका यूज जो किया जाता है खांसी को रोकने के लिए। दोस्तों, इस कफ सिरप का यूज किया जाता है। साथ ही कोई मरीज है जिसे खांसी आ रही हो, मलकम के साथ खांसी आ रही होती है, जिसे खांसते खांसते क्या होता है सीने में दर्द होता है, या फिर चेस्ट में दर्द होता है, या फिर उसके चेस्ट से गड़गड़ाहट की जैसी आवाज़ आती है, या फिर गले में इरिटेशन रहती है, तो दोस्तों उस दौरान इस कफ सिरप का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, इसका यूज जो किया जाता है उन पेशेंटों में यूज किया जाता है जिन्हें ब्रोंकियल अस्थमा हो गया होता है, जिसके कारण क्या होता है एयर जो है एयरवे से पास ना होकर खांसी बन जाती है, तो दोस्तों उस दौरान इस कफ सिरप का यूज किया जाता है। साथ ही इसका यूज जो किया जाता है उन पेशेंटों में यूज किया जाता है जो लंबे समय तक स्मोकिंग कर रहे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है उन्हें खांसी उठती है, या फिर मलगम वाली खांसी होती है, उन्हें खांसते खांसते क्या होता है कभी कभी सांस नहीं आता है, तो उस दौरान दोस्तों इस कफ सिरप का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, इस सिरप का यूज जो किया जाता है COPD पेशेंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होता है। इसमें क्या होता है व्यक्ति के लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे पेशेंट को बार बार खांसी उठती है, या फिर सांस लेने में दिक्कत रहती है, तो दोस्तों उस दौरान इस सिरप का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट जो किया जाता है इसका ब्रोंकोस्पास्म में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है जब व्यक्ति सांस लेता है तो उनके छाती से घड़घड़ जैसी आवाज़ें आती है, तो दोस्तों उस दौरान इस सिरप का यूज किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम सिरप की डोसेज की, यानी जो सिरप होता है इसकी क्या डोज रहती है। फ्रेंड्स, अगर सामान्य व्यक्ति की बात करी जाए तो इसे 10 ml सुबह लिया जाता है और 10 ml शाम लिया जाता है, यानी दिन में 2 बार लिया जाता है। और दोस्तों, इस सिरप को आप खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं। और दोस्तों, इसका अच्छा रिजल्ट लेने के लिए कोई भी एंटीबायोटिक इसके साथ लेना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो सिरप होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, जानते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, इससे क्या हो सकता है, आपकी इंक्रीज हार्ट बीट हो सकती है, या फिर इससे आपको हेडेक हो सकता है, या फिर आपको डिजीनेस या फिर ड्रोजीनेस की शिकायत रह सकती है, या फिर आपको क्या हो सकता है स्लीपनेस की शिकायत रह सकती है, या फिर इससे क्या हो सकता है आपको दोस्तों टिंगलिंग की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। अगर इन सिम्टम में से आपकी बॉडी पर नजर आता है तो आप सिरप लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से बताएं, जिससे वो आगे ना फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सके।
फ्रेंड्स, ये थी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इस सिरप के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे वीडियो किसी और के काम आ सके।